ये भाई एक बहुत बढ़िया वाला विलेज शुरू हो रहा है। ये आंटी मुझे देख रही हैं, कह रही हैं कि इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहा है ये। ठीक है, ये सारी गाड़ियां वेट कर रही हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ ना, इनको पता लग गया कि सामान स्टूडियो यहाँ पे आ रहा है इस विलेज में, तो सारे आगे लाइन लग गई है। ये टेलीफोन बूथ भाई, अभी मैं इस लेके चलूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा बढ़िया सा ये विलेज। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल सांगवान स्टूडियो में। तो भाई आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बहुत ही सुंदर विलेज में, तो मैं आप लोगों को इस विलेज का पूरा पूरा बढ़िया वाला टूर देने वाला हूँ। अभी विलेज शुरू नहीं हुआ है, आगे से शुरू होगा। मतलब इस विलेज में मैं हूं ना, आप लोगों को दिखाऊंगा चार पांच तरह के डिफरेंट डिफरेंट घर। ठीक है, और इस विलेज में और क्या क्या खासियत है भाई, पब है और चर्च है, जैसे कि आप लोगों ने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं उसमें आपको पता लग ही गया होगा। लेकिन इस वाले विलेज में और भी बहुत तरह की शॉप्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो घर होंगे ना अलग अलग तरीके के, वो मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि भाई पुराने जमाने में कैसे होते थे। जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, छप्पर का घर, तो ऐसे छप्पर के कुछ नए बने हुए, कुछ थोड़े से 20 साल पुराने, तो सारी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ पता लगेगा यूके के विलेजेस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मुझे ऐसे विलेजेस वगैरह में घूमना, मतलब ऐसे घूम फिर के वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ आज। मैं छुट्टी का दिन था, मुझे लगा कि मैं बाहर जाऊँ, कोई एक बढ़िया सा विलेज आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूके के बारे में, और पता लगता है कि यूके में किस तरह के घर होते हैं, किस तरह के विलेजेस के गांव होते हैं और किस तरह की विलेज लाइफ होती है यूके के अंदर। तो चलो दिखाता हूँ, मेरे को क्या देख रहे हो आप, विलेज देखो। चलो भाई सामने ये वाला जो घर है ना, ज्यादातर ये लकड़ी से बना हुआ है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे पूरा पूरा, लेकिन घर देखना कितना सुंदर है। ऐसे ही अगर आप सामने देखोगे वो जो है बीच में जो घर है, थोड़ा सा मतलब ये कह लो कि 60-70 साल पुराना है, लेकिन उसके साथ में जो वो है ये छप्पर की है पूरी की पूरी, इसकी छत देख लो जो पुराने जमाने में नहीं होती थी पूरी टोटली। और आजकल भी ये घर अगर बिकने के लिए मार्केट पे आ जाए ना तो काफ़ी महंगे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जिनको एंटीक चीज़ें पसंद है या पुराने स्टाइल के घर पसंद है वो ज़रूर ऐसे घरों खरीदते हैं। और इसी के साथ में अगर आप देखो तो ये वाला घर, ये थोड़ा सा कह लो कि 40-50 साल पुराना होगा, इस तरह का है। और ये भाई इस विलेज में बढ़िया सा चर्च है, हर विलेज में यहाँ पे चर्च जरूर होती है। तो ये आज अभी खुली नहीं है क्योंकि संडे के दिन खुलती है चर्चेस। ठीक है, तो ये मतलब चर्च के अंदर क्या होता है, सीमेंट्री भी होती है। चर्च बहुत सुंदर है, ये देखना, बहुत ही सुंदर चर्च, मतलब सारी की सारी एंटीक है, मतलब ये 1000 साल पुरानी चर्च होगी, 800 से 1000 साल। तो पूरा पूरा विलेज है भाई। और राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे मकान नहीं है, राइट साइड में मकान है यहाँ पे। और मकान जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई अलग अलग स्टाइल के हैं, और ये देख सकते हो कि भाई राइट साइड में जो कुछ मकान जैसे कि 30-40 साल पुराने होंगे, कोई 100 साल भी पुराने बहुत मिल जाएंगे, कुछ 150-150 साल भी पुराने मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई 150 साल पुराना मकान दिखता है ना, क्योंकि पता लग जाता है यार बाहर से ही, और उस पर लिखा भी होता है, जो अगर ज़्यादा एंटीक होते हैं ना उनके बाहर वो लिख देते हैं कि भाई ये कितने साल पुराना मकान है। तो अब ये देख लो सामने वाला जो है लकड़ी लगी हुई है, जो ये बीच में पिलर से दिख रहे हैं ना, ये क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं, ये सारे की सारी लकड़ियाँ हैं ये जिनके ऊपर ये टिका हुआ है। और सामने अगर आप ज़्यादा आगे और आगे देखोगे तो ये जो है ये थोड़े नए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है देखो आप, इन पे ना कोई लकड़ियाँ वगैरह दिख रही, तो मतलब वही है। और इस विलेज की एक पुरानी फ़ोटो अगर देखनी हो किसी को पुराने टाइम की, ये देख लो यहाँ पे ये घर था जो, उसकी पुरानी फ़ोटो है जो ये इस वाले की है सेम, लेकिन अब तो इसको चेंज कर दिया। और जैसे मैंने बोला था कि भाई पब ज़रूर होता है यहाँ विलेज में, चाहे कोई भी विलेज हो, छोटा हो बड़ा हो, पब जरूर मिलेगा। और यहाँ पे इस विलेज में जो पब है द रेवन, ये है पब का कल्चर क्या है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में नहीं है कि भाई अपने जाके पंचायत घर में या ऐसे बैठ गए, तो यहाँ पे पब वगैरह में बैठते हैं। तो ये पब है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लोग जो मिलते हैं पब में आगे, एक एक दो दो बियर लगा ली, उसके बाद खाना वाना खा लिया वहाँ पे, बर्गर वगैरह, और इन्जॉय कर लिया। अब सामने देखना वो कितना सुंदर लग रहा है, वहाँ पे सनसेट हो रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रहा है। ठीक है, अब ये छोटी सी कॉटेज है, कॉटेज जैसा घर है। ठीक है, ऐसे ही सामने वो जो है वो लकड़ी का हो गया, आगे कुछ शॉप्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। वो वाला घर देखो, जो ये वाला घर है ये और भी पुराना है काफ़ी, ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल का है। मतलब ये है कि आपको एक जगह ही यहाँ पे, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे अपने इंडिया में बालकनी वगैरह होती है काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे वो बालकनी वगैरह कोई चक्कर नहीं है। और भाई हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई फाई एडिटिंग नहीं कर रखी, तो मैं इसको रो रख रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ विलेज में और आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ दोनों तरफ, तो यही कंसेप्ट है। अगर अच्छी लग रही हो तो भाई बताना। और ये वाला देख लो फिर घर,
छप्पर का है पूरा पूरा, लकड़ी लगी हुई है, जो पिलर्स जो हैं वो लकड़ी के हैं और ऊपर छत जो है छप्पर की है। ये वाला घर देखो भाई, ये वाला घर मतलब फूल वगैरह जो है ना, पत्तियां जो ये लगी हुई हैं, उगी हुई हैं, ये कितनी सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है भाई। आप लोग बताना नीचे कमेंट करके कैसा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है भाई। तो वही है कि भाई यहाँ पे विलेज में क्या है, लोग अपने पबों में चले गए, जो नॉर्मल लोकल जो शॉप्स वगैरह होती है ना विलेजेस के अंदर, उसमें ये जरूर स्पेंड करते हैं। हर घर के पास गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे, देख लो अगर आपको इतनी सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, बाइक वगैरह स्कूटर वगैरह ये चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, इतनी नहीं होती। और क्योंकि यही है ना कि भाई गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मौसम वगैरह इस तरह का ही होता है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी बर्फ़ गिर जाती है, तो इस चक्कर में यहाँ पे गाड़ियाँ ही होती हैं, बाइक स्कूटर वगैरह नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, रेयरली। ठीक है, ये एक शायद और चर्च है, पुरानी चर्च तो घर में तब्दील कर दी, ये पब है भाई। फिर से इस वाले विलेज में दो पब है, वाइट लॉयन नाम है इसका, पब के अंदर मैं आज नहीं लेके चल रहा आप लोगों को, फिर कभी लेके चलूंगा, लेकिन आगे कुछ दुकान है उनमें जरूर लेके चलूंगा। तो दुकान में क्या होता है कि भाई यहाँ पे सबके पास गाड़ियाँ होती हैं और सब सुपरमार्केट्स, बड़े बड़े सुपरमार्केट जो होते हैं छोटे विलेजेस में नहीं होते, वो थोड़ा आगे जाके होते हैं, तो वहाँ पे जाके शॉपिंग करके ले आते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि भाई वो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है ना, जो लोकल शॉप्स वगैरह होती हैं उनसे जरूर करते हैं। रीज़न क्या है कि भाई जो लोकल शॉप हैं जो विलेज के अंदर, जो पब हो गए या शॉप होगी, उनका बिजनेस भी कंटिन्यू करने के लिए, कि भाई वो भी भूखे ना मरे। तो मतलब यहाँ पे हेल्पिंग नेचर बहुत है इस तरह का, और अच्छी बात है। ये देख लो फिर ये घर आगे थोड़े से और पुराने, आगे वो छप्पर वाला आगे उस तरफ, फिर दोबारा इस तरफ ये कॉटेजेस टाइप है, ये देख रहे हैं ना, जो डोर है ये एक घर है, इसके आगे जो डोर है वो दूसरा घर है। तो देख लो इतनी इस जगह में तीन घर बना दिए। ठीक है, ये कुछ शॉप्स हैं और आगे वो छप्पर है, तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये विलेज जो आगे दिख रहा है वो रोड, वो ये इस विलेज का एंड है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी भाई, अगर आप लोग अच्छी लग रही है ना, तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि भाई मैं और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, और यूके के विलेजेस आप लोगों को दिखाऊं, जा जा के यूके घुमाऊं आप लोगों को। और आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। और ये देखो इस यहाँ पे फिर दो रेस्टोरेंट हैं, एक ये है चाइनीज़ कैंटनीज़ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ठीक है, और इस तरफ ये है फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स यूके के अंदर बहुत फेमस है, ये रही फिश एंड चिप्स। अब यूके के अंदर एक जो खाना बहुत फेमस है वो है फिश एंड चिप्स। मतलब फिश क्या होती है, फिश को फ्राई करके उसके बाद चिप्स क्या होते हैं, मतलब जैसे मैकडोनल्ड्स में फ्राइज वगैरह मिलते हैं उस तरह के फ्राइज वगैरह, और उनको बना के वो देते हैं, बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पे पहले बहुत खाते थे लोग, अब तो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो इसलिए शायद लोग कम खाते हैं, लेकिन काफ़ी फेमस है फिश एंड चिप्स यूके का। ठीक है, और उसके अलावा चाइनीज़ फूड जो है वो भी बहुत फेमस है, लेकिन इंडियन करी जो है ना यहाँ पे बहुत फेमस है, जो लोग क्या करते हैं वीक में एक दिन जरूर जाते हैं इंडियन करी वगैरह कुछ खा के आते हैं, बाहर जरूर खाते हैं। 1914 से 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे इस विलेज के, उनके नाम लिखे हुए हैं वहाँ लेफ्ट साइड में, अगर आप लोग वो दिख रहे हो, ठीक है, उनकी शहीदी उनकी याद में ये बना रखा है यहाँ पे स्टैचू। एक चीज़ जो मैं हर बार किसी भी विलेज में जाता हूँ तो वो जरूर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो होती है कि भाई वहाँ का बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप किस तरह का होता है, तो वो मैं आप लोगों को इस विलेज का भी दिखाऊंगा, वो कैसे मिस कर सकते हैं, तो आगे आने वाला है। तो वो सामने जो दिख रहा है ये छोटी सी हट सी जो बनी हुई है, ये है यहाँ का बस स्टॉप, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रोड क्रॉस करके। ओ यहाँ पे तो एक और पब है, एक और पब है ये वाला जो है, ये पब एक और है यहाँ पे इस विलेज में। तो मतलब ये विलेज थोड़ा बड़ा है, इसमें तीन पब दिख गए हमें। तो ये इनका बस स्टॉप है, ये डस्टबिन है कह लो, ये बस स्टॉप है, ये बस के टाइम और नंबर लिखा हुआ है, ये प्रॉपर छोटा सा बस स्टॉप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मस्त सी छत है और वो सामने पब है यहाँ पे। तो भाई ये विलेज पूरा पूरा एंड हो गया है, पीछे विलेज वहाँ ख़त्म हो गया है जहाँ पे मैंने बस स्टॉप दिखाया था, उसके आगे एक लेफ्ट में गली ओढ़ती है और उसके बाद और कुछ नहीं है। राइट साइड में जो अब ये है, इस तरफ थोड़ा सा जंगल है या वॉक एरिया क्या लो विलेज का। तो यही था भाई, ये छोटा सा एक विलेज आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश करी, जो यूके के अंदर है, यूके की भाई वेस्ट मिडलैंड कोवेंट्री के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है विलेज।
तो आई होप आप लोगों को ये विलेज अच्छा लगा होगा, विलेज टूर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया देखा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। जैसे कि आप लोगों मैंने जिस चीज़ बताई, फिश एंड चिप्स यूके के अंदर बहुत फेमस है, यूके के अंदर हर विलेज के अंदर आपको पब्स रेस्टोरेंट वगैरह जरूर मिल जाएंगे। तो विलेज लाइफ जो है यूके की वो थोड़ी सी डिफरेंट है शहरों की लाइफ से, बहुत काम है, शांत है,